अभी तक यू मेड अ लॉन्ग प्रोग्रेस और अगर आपको याद हो मैंने आपको पहले टॉपिक में क्या कहा था द जर्नी ऑफ अ थाउजेंड माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप एंड यू शुड फील प्राउड यू शुड कंग्रेचुलेट योर सेल्फ बिकॉज आपने अभी तक काफी ज्यादा स्टेप्स ले लिए एंड यू आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू द कंप्लीशन ऑफ द होल कोर्स कुछ ही और टॉपिक्स रह गए कुछ ही टॉपिक्स बाद यू विल बी एबल टू अर्न योर ओन सर्टिफिकेट एंड साथ ही साथ यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर एलुमनाय कम्युनिटी ऑफ डी जी स्किल्स डॉट पी के तो इसको प्लीज सीरियस लें देखें कि यार आप अगर आप इतनी प्रोग्रेस करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कुछ ही कदम आगे जाके यू कैन एक्चुअली बिकम वेरी सक्सेसफुल और अगर आपको याद हो कि मैंने आपको सक्सेसफुल लोगों की कहानी जब सुनाई थी तो मैंने आपको बताया था the only thing common in them is that they have an objective and they are disciplined. So, ये चीज cheez जहन में रखिएगा इस टॉपिक में mein we want to explore WordPress file manager. और इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ WordPress file फाइल मैनेजर के बारे में याद कराता चलू कि वर्ड प्रेस इज अ सी और ये चीज मैंने तकरीबन हजार दफा इस कोर्स में आपको बार बार बताई होगी क्यों ये जरूरी है क्योंकि वंस यू नो कि वर्ड क्या है ओनली देन यू कैन फाइंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स विद वर्ड प्रेस चूंकि वर्ड एक फाइल मैनेजर है और साथ ही साथ एक कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है सो so, हर तरह की फाइल्स आप वर्ड में स्टोर कर सकते हैं दीज कुड बी इमेज फाइल्स दीज कुड बी वीडियो फाइल्स दीज कुड बी ऑडियो फाइल्स और दिस कुड इवन बी ब्लॉब्स ऑफ टेक्स्ट इसके साथ साथ आप बहुत और तरह की फाइल्स भी वर्ड में सेव कर सकते हैं फाइल्स लाइक पी डी एफ फाइल्स लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल्स लाइक पावर पॉइंट तो क्वेश्चन ये आता है कि ये फाइल्स आप वर्ड में आखिर क्यों स्टोर करेंगे ये फाइल स्टोर करने के लिए तो आपके पास सर्विसेज हैं लाइक ड्रॉप लाइक गूगल ड्राइव आपके फोन और आपके लैपटॉप पे ये फाइल्स भी स्टोर्ड हैं सो वाई एग्जैक्टली वुड यू सेव दीज काइंड ऑफ फाइल्स ऑन वर्ड प्रेस भाई वो इसलिए बिकॉज वर्ड प्रेस इज अ वेरी पावरफुल फाइल मैनेजर एज मच एज इट इज अ पावरफुल कॉन्टेंट मैनेजर तो आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे सी एम एस में वो कौन से फाइल्स हैं जो आप स्टोर कर सकते हैं वो कौन सी फाइल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और वो कौन सी फाइल्स हैं जिनको आप री कर सकते हैं स्टोर यूज़ एंड री ये आपने जहन में रखना है आपको कुछ एग्जाम्पल्स uh, दूंगा वाई वुड समन वॉन्ट टू स्टोर अ वर्ड फाइल ऑन देर वर्ल्ड प्रेस भाई वर्ड डॉक्यूमेंट आप हो सकता है आप एक असाइनमेंट बना रहे हो और आप उस असाइनमेंट के बारे में लिखना चाहते हैं सो यू कैन वेरी इजिली अपलोड अ वर्ड डॉक्यूमेंट ऑन वर्डप्रेस या सोचें हो सकता है आप पावर पॉइंट फाइल एक शेयर करना चाह रहे हो बिकॉज़ यू वांट टू शेयर अ प्रेजेंटेशन यू कैन डू दैट ऑन वर्डप्रेस एज़ वेल साथ ही साथ हो सकता है कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट हो साथ ही साथ हो सकता है कोई ऑडियो फाइल हो वी हैव एक्चुअली इन आर प्रीवियस टॉपिक्स गिवन यू ऑल एग्जांपल्स ऑफ द सॉर्ट ऑफ फाइल्स दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन वर्डप्रेस बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो बड़े जरूरी हैं और इन क्वेश्चंस के बारे में आपने इसलिए सोचना है बिकॉज दीज क्वेश्चन विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर वर्ड प्रेस वेबसाइट नंबर वन क्वेश्चन कौन कौन सी ऐसी एक्सटेंशन हैं जो वर्ड पे सपोर्टेड है वेल बाई डिफॉल्ट यू हैव एक्सटेंशन लाइक इमेज फाइल्स इमेज फाइल्स कौन कौन सी आप अपलोड कर सकते हैं अपनी वर्ड प्रेस साइट पर यू कैन अपलोड पी एन जी फाइल्स यू कैन अपलोड JPEGs, you can upload BMP bitmap images. So ये कुछ स्पेसिफिक इमेज फाइल्स हैं जो आप अपनी WordPress साइट पे अपलोड कर सकते हैं वीडियो में you can upload MP4, you can upload MOV अपलोड फाइल इसी तरह विंडोज मीडिया फाइल भी आप अपने वर्डप्रेस पे अपलोड कर सकते हैं वीडियो के अलावा डॉक्यूमेंट्स में जिस तरह मैंने आपको बताया वर्ड है पावर पॉइंट है साथ ही साथ ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जिसकी एक्सटेंशन होती है ओ डी टी वो आप अपलोड कर सकते हैं सो एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ऑबियसली पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये भी कुछ फाइल्स हैं जो आप अपलोड कर सकते हैं बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड क्वेश्चन कि आपने ये सोचना है कि कितनी फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं करने का तो आप अनलिमिटेड फाइल्स अपलोड कर सकते हैं अपने वर्ड प्रेस पे बट दीज आर लिमिटेड बाई द होस्टिंग सर्विस दैट यू आर यूजिंग सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यू डू नॉट अपलोड इतनी फाइल्स कि आपकी होस्टिंग परफॉर्मेंस इसकी वजह से इफेक्ट हो और आपको अपनी फाइल्स को मैनेज करना भी आना चाहिए इट्स इम्पोर्टेंट सो यू कैन प्रॉपरली यूज एंड रीयूज स्टोर यूज एंड री यूज जिस तरह मैंने आपको पहले भी तीन ये चीज़ों का बताया यू हैव टू सी कि किस तरह आप अपनी वर्ड प्रेस फाइल्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं सो so, अभी तक क्या हुआ अभी तक मैंने आपको डिफरेंट तरह की फाइल्स का बता दिया है मैंने कुछ एफ बता दिए हैं फ्रीकुंटली आज क्वेश्चन फाइल्स का हम जिक्र कर लिया है और ये फाइल्स आप डिफरेंट जगह डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करेंगे सो बी वेरी कॉशियस एंड बी वेरी वेरी माइंडफुल कि किस तरह की फाइल्स आपने अपने सर्वर पे अपलोड करनी है कुछ फाइल्स जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी अपनी साइट पे अपलोड ना करें वन एग्ज़ाम्पल इज़ एग्जीक्यूटिबल फाइल्स ई फाइल्स एनी फाइल दैट रंथ एनी काइंड प्रोग्राम दैट कैन पोज अ सिक्योरिटी रिस्क टू योर वेबसाइट आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है इनफैक्ट अगर आप इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो वर्ड प्रेस विल नॉट अलाउ यू यू टू हैव टू इंस्टॉल अ स्पेशल एक्सटेंशन फॉर स्पेशल फाइल्स इतनी बात हो गई फाइल्स की आई थिंक नाउ इट्स अबाउट टाइम कि जाके मैं आपको कुछ फाइल्स के बारे में दिखाऊँ और कुछ फाइल्स अपलोड कराऊँ सो लेट्स ओवर टू द लाइव सेशन एंड ट्राई दम आउट तो जैसे मैंने आपको बताया कि फाइल टाइप्स वर्ड में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड हैं तो वी विल गो टू गूगल एंड वी विल सर्च फॉर सम ऑफ समीज फाइल टाइप्स सो आई विल राइट विच फाइल टाइप्स आर सपोर्टेड बाय वर्ड ये क्वेरीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपने बार बार ये क्वेरीज खुद सर्च करनी है सो so यहाँ पे अब पहला लिंक आया है और मैं जाके वर्ड पे देख सकता हूँ कि कौन कौन सी फाइल टाइप्स हैं जो सपोर्टेड हैं जेपैग है डक्यूमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा और हैं जिप है ऑडियो है एम पी थ्री है वीडियो है भैया अभी जबानी तो मुझे याद नहीं है आपको ऑनलाइन जाके सर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि विच फाइल टाइप्स आर एक्चुअली सपोर्टेड बाई वर्ड प्रेस एक और क्वेरी आप गूगल पर लग के सर्च करें हाउ टू अपलोड एन अनसपोर्टेड फाइल ऑन वर्ड प्रेस सो

प्लगइन जिसका नाम है डब्ल्यू पी एड माइम टाइप्स उसको भी ऐड कर सकते हैं तो ये अगेन मैं आप पे छोड़ूंगा आपने इसको सर्च करना है और आपने इसको ट्राई करना है और देखना है हम इस टॉपिक में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं एक प्लग जिसका नाम है डब्ल्यू फाइल मैनेजर और ये डब्ल्यू फाइल मैनेजर इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स 200,000 इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस है और फाइव डेज़ अगो ये ऑलमोस्ट अपडेट हुआ हुआ है और इस तरह का ये सिर्फ एक प्लगइन इन इस तरह के आपको बहुत सारे और प्लगइन्स भी मिल जाएंगे और मकसद आपको लकीर का फ़कीर बनाना नहीं है मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे जो प्लगइन नजर आया वही प्लगइन आपकी यू नो जिंदगी और आखिरत में रहेगा आपने खुद देखना है कि कौन सा प्लग आपके लिए सही है डिफरेंट प्लग एक्सप्लोर करने में कोई गलत बात नहीं है यू कैन गो एंड एक्सप्लोर डिफरेंट प्लग टू सी विच प्लग वर्क बेस्ट फॉर यू सो so, हम इस वक्त एड न्यू प्लग पे क्लिक कर रहे हैं और अभी मैं सर्च करूंगा डब्ल्यू पी फाइल मैनेजर और मैं देखता हूं कि मेरे पास कौन सा प्लग इन आता मैनेजर एंड आई एल सी अब देखें जब मैंने डब्ल्यू पी फाइल मैनेजर सर्च किया है तो मेरे पास फाइल मैनेजर भी है मेरे पास एडवांस फाइल मैनेजर भी है मेरे पास एक सिंपल फाइल मैनेजर प्लग इन भी है और भी बड़े और तरह के प्लग इन्स आ गए तो मैं क्या करूँगा आई लुक फॉर द प्लग इन विच हैज द मोस्ट एक्टिव इंस्टॉलेशन which has the best reviews and which was most recently updated and which is compatible with my version of WordPress. So this plugin is the plugin that I am going to install. And install करते ही मैं इसको activate करूँगा और activate करने के बाद I will see कि ये कौन सी features मेरी WordPress website पे add करेगा. So plugin installation fail हो गई है, which is perfectly fine. So ये भी एक अच्छा आपके लिए live आपको नज़र आ रहा है कि अगर प्लग इन इंस्टॉलेशन फ़ेल हो जाए तो घबराना नहीं है और उसको दोबारा ट्राई करना है सो एम गोइंग टू ट्राई टू इंस्टॉल दैट प्लग इन वंस अगेन अगर तो प्लग इन इंस्टॉल हो गया तो वेल एंड गुड ना इंस्टॉल हुआ तो वी विल ट्राई टू इंस्टॉल इनअर प्लग इन और अगर ना भी हुआ मेरे पास इस तो वक्त प्लग इन इंस्टॉल यू कैन ऑलवेज़ गो बैक एंड इंस्टॉल दैम ऑन योर ओन वेबसाइट आई एम गोइंग टू ट्राई दिस वन लास्ट टाइम एंड वी विल सी इफ़ दिस प्लग इन इंस्टॉल आर नॉट तो ये प्लग इंस्टॉर्शन फिर फेल होगी एम गोइंग टू ट्राई अनदर प्लग इन विच इज एडवांस फाइल मैनेजर और ये प्लग इंस्टॉल हो गया सो वाई दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल क्योंकि आपके साथ भी ये होगा कि आपके हो सकता है कभी प्लग इन इंस्टॉल ना हो तो so प्लीज़ हमें बार बार आके क्वेश्चन ना पूछते रहिएगा कि प्लग इन क्यों नहीं इंस्टॉल हुआ थोड़ा सा सब्र कर लें और थोड़ी देर बाद इंस्टॉल कर लें हो सकता है उस वक्त ना चल रहा हो कोई मसला हो तो so देखिए मैंने दूसरा प्लग इंस्टॉल किया आपके सामने बड़े आराम से वो इंस्टॉल हो गया और ऊपर अब मुझे नजर आ रहा है फाइल मैनेजर आई जस्ट क्लिक ऑन फाइल मैनेजर एंड वहां से मैं अपनी सारी फाइल्स की डिटेल देख सकता हूं सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वेल वोट पेस्ट कि आप बड़े ही ईजी तरीके से फाइल मैनेजर इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को देख सकते हैं सो दिस कैन मेक योर लाइफ वेरी इजी हमारे साथ रहिएगा हमारे, हमारे साथ सीखते रहिएगा और जो नए नए प्लगइन्स हम आपको ट्राई करा रहे हैं उन्हें भी ट्राई करते रहिएगा हमारे साथ कनेक्ट कीजिएगा डी जी स्किल्स डॉट पी के पे ताकि वहाँ पे जाके आप अपनी क्वेश्चंस हमारे एलएमएस पे पोस्ट कर सकें और हमारे साथ कनेक्ट कर सकें